नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग किर्लोस्कर का सिंगल फेज मोटर 2 HP मोटर वाइंडिंग करेंगे। और इससे पहले हमने आपको ये स्टैम्पिंग दिखा देना चाहता हूँ। 24 स्लॉट है जिसमें हमने पेपर डाल दिया है। पेपर है 10 नंबर न्यूमैक्स में, जो इसका स्टैम्पिंग जो है वो माप लेते हैं 4 इंच है, 10 cm। आप भी देख सकते हैं, कॉइल का भी माप हम लोग ले लेते हैं। 4 स्लॉट जो है बीच में छोड़ करके माप लेना है, ताकि 4 स्लॉट में स्टार्टिंग की कॉइल आसानी से डल जाए आ जाए। ये वायर जो है 20.5 नंबर एक साथ दोनों चलेगी, रनिंग की कॉइल। अब इसको हम लोग एक साथ दोनों को ऐंठ लेते हैं। मीटर को हमने जो जीरो कर लिया था। चलिए, रनिंग की कॉइल 42 टर्न होगी, दोनों एक साथ वायर चलेगी 42 टर्न। और 42 टर्न का 4 को कॉइल बनाना है। बयालीस टर्न की 4 कॉइल बन चुकी। इसका स्टार्टिंग की कॉइल आपको 20 नंबर से चलाना है, पहले वाले हम लोग इसको बाइंडिंग कर लेते हैं। चार खांचा भी स्लॉट जो है बीच में छोड़ के, इसको मोटर बांधना बाइंडिंग करना उतना कोई पहाड़ नहीं है, बहुत इजी सी बात है, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, एक साइड का हमने पेपर भी डाल दिया है। ऐसे आप दो दो चार चार करके इस स्लॉट में आप वायर को डाल सकते हैं। हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं रियलिटी बनाते हैं, थोड़ा स्किप करना पड़ता है, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर ये इस मोटर का ही बात करें तो समथिंग 2-2.5 घंटा लग जाएगा मोटर वाइंडिंग करने में, और 2-2.5 घंटा का वीडियो होगा, इसलिए थोड़ा हम लोग मेन पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ भी लें और ज़्यादा वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। देखिए, एक कॉइल हमने डाल दिया,
अब इसका दूसरा भी हम लोग डालेंगे, और ये जो है इसका वायर किस साइड में होना चाहिए, देखिए ये इस साइड में रहेगा, ये वाला इस साइड, हमेशा याद रखें। वीडियो को थोड़ा हम लोग स्किप कर लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। स्टार्टिंग आप लोग 20 नंबर वायर से वाइंडिंग करें, पहले वाला कॉयल 43 और सेकेंड वाला 41, और ये जो है इनर कॉयल, ये वाला आउटर, और ये वाला भी, ये वाला आउटर और ये वाला आउटर, इस दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं। और ये स्टार्टिंग की आउटर ये वाला, और इसका आउटर ये वाला, ये दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं। इसमें आप सोल्डराइज कर दें ताकि आपका फ्लैक्चुएशन ये ना हो, स्पार्किंग ना हो, आपका कॉयल सही सलामत रहे। जहाँ भी ज्वाइंट करें सोल्डराइज ज़रूर करें। बाकी को कट कट हटा देते हैं। स्लीविंग हमने डाला था, वो स्लीविंग आराम से यहाँ जॉइंट की जगह पर उसको कवर कर दें। ये वाली स्टार्टिंग की है, सिंगल ही है, 20 नंबर वायर है। ये इनर स्टार्टिंग की और ये रनिंग की इनर, इसको हम लोग ये वाला ब्लू वाला जो है उसको स्टार्टिंग में हम लोग लूप निकालेंगे। ये देख रहे हैं ब्लू, और ये वाला भी ब्लू, और ये वाला येलो, जिसको हम रनिंग की कॉइल डबल जो था उसको इसमें ज्वाइंट करते हैं। इसको भी सोल्डराइज अच्छे से कर दें, स्पार्किंग की हमेशा झंझट से दूर रहें। कट के हटा देते हैं, इसको सिल्विंग से कवर कर ले। रनिंग स्टार्टिंग के पाइप भेजवा देता नहीं, रुक जाते हैं हम जाके खाली कर दिया।
आसानी से इसको आराम से। अब हम लोग धागा से इसको, ये जो वायर हमने सुई जो बोलते हैं सुई टाइप, इसे ही बनाएं, वायर का ही बनाएं, ताकि आपको जिस साइड में उसको मोड़ना है निकालना है आसानी से निकल जाएगा। हमारी कॉइल को धागा से भी बांध दिए, इसको रिमूव करते हैं और इसको सीरीज हम लोग बॉडी चेक कर लेंगे कि कहीं बॉडी तो नहीं रह गई, तार कहीं खुरचा जाए या बॉडी में टच हो तो वो आपका डेंजर है। ये स्टार्टिंग बॉडी नहीं है, ये रनिंग मेरा, इसका भी बॉडी नहीं है। ओके, ये देख रहे हैं कॉइल हमारी बाइंडिंग हो चुकी है। ये वार्निश, सही, ये बताइए हम लोग वार्निश क्यों डालते हैं? ये आपको किसी ने बताया कि हमारी जो वायर हो लूज है उसको मैनेज करने के लिए वार्निश को हम लोग वायर डालते हैं। कॉइल सूखने के बाद हमारी बारिश सूख गई है अच्छी तरह से, ये देख रहे हैं आप भी। अभी हम लोग इसको पंप के साथ इसको कसते हैं। से इसका फैन ज़रूर लगा दें ताकि ये मोटर को हीट होने से बचाता है। कंडेंसर जो है कैपेसिटर इसका 50 माइक्रोफैरड का होना चाहिए। ये देख रहे हैं इसका प्लेट भी हम धोखा दिखा रहे हैं आपको। देखिए 50 माइक्रोफैरड 440 वोल्ट कैपेसिटर है इसका, कैपेसिटेंस वैल्यू। सभी तार को अच्छी तरह से रिमूव कर लेते हैं। ये एक स्टार्टिंग और रनिंग को एक साथ कॉमन कर लेते हैं और दो वायर बचा जो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग के, इस रनिंग के कॉइल में एक कंडेंसर कैपेसिटर का वायर और ये कैपेसिटर का वायर है और ये स्टार्टिंग की कॉइल, स्टार्टिंग की लूप, ये दोनों को एक साथ
ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको हम पावर देकर देखते हैं, देखिए चल रहा है, इस साइड में जाएगा। देखिए आपको एम्पियर भी दिखाएंगे, 4.5 एम्पियर के साथ चलना चाहिए। पड़ेगा तो ये सारे में मतलब चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।